हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने आज अपना व्लॉग बीच रास्ते से ही शुरू कर दिया है और आज मैं जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट। मेरे घर के पास ही एक विशाल ओपन हुआ है, तो 26 जनवरी की बहुत ही अच्छी सेल चल रही थी वहाँ पर, तो मैंने सोचा एक बार जाके देख लेते हैं। और आप लोगों को पता ही है, घर में शादी है तो शॉपिंग चल ही रही है। घर के पास ही था तो हम लोग स्कूटी से ही आ गए थे, तो बस यहाँ एक बार हमने सोचा कि देख लेते हैं कि कैसी क्या चीज़ पे सेल चल रही है। और मुझे शूज़ भी लेने थे, तो इस वजह से मैं एक बार यहाँ पे देख लेती क्वालिटी और प्राइस कैसा है यहाँ का। पर मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा ये विशाल, बहुत ही रीज़नेबल रेट पे सामान मिलता है यहाँ पर। यहाँ और भी जो शॉपिंग मॉल होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छे रेट पे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये उस हिसाब से। तो यहाँ पर हमने थोड़े से अथर्फ के कपड़े भी ख़रीदे थे, काफ़ी अच्छे रेट पे मुझे मिल गए थे। अथर्फ के लिए एक जैकेट भी ख़रीदी थी, वो भी अच्छे रेट पे मिल गई थी मुझे। और अथर्व को ये रेड कलर की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, बट ये गर्ल्स की थी। वो बहुत तेज़ दौड़ के अपने पापा के पास गया था कि पापा मुझे ये लेनी है, बट ये गर्ल्स की थी तो हम लोग नहीं ले पाए। और रेड कलर उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इस वजह से उसने ये सिलेक्ट की थी। और यहाँ पर अनुज मेरे लिए शूज़ देख रहे हैं, तो मैं भी एक शूज़ ट्राई भी करके देखूँगी। ये शूज़ अनुज को अच्छे लग रहे थे और रेट भी इनका काफ़ी अच्छा था, 299 से यहाँ पर स्टार्ट थी शूज़ का प्राइस। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं, करीब हमें एक घंटा हो गया है आए हुए और काफ़ी सारा सामान ले लिया था तो। और आज ये प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, आज काफ़ी सारा सामान भी ले लिया था और आज हम गाड़ी लेके नहीं गए थे, स्कूटी लेके गए थे क्योंकि मेरे घर के पास में ही है, तो मैंने सोचा गाड़ी ले जाने की क्या ज़रूरत है, स्कूटी लेके चलते हैं। पर सामान इतना ज़्यादा हो गया था तो इसलिए मैं आने का शूट बिल्कुल नहीं कर पाई थी। तो करीब हमें एक घंटा हो गया है आए हुए, मैंने चेंज वगैरह कर लिया है और जो सामान वगैरह लिया था वो अच्छे से रख दिया है अभी तो। और गाइस सच में बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है सच में। अभी मैंने दो स्वेटर पहन रखे हैं और मेरे रूम में हीटर भी चल रहा है, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी तक रूम गर्म नहीं हुआ है और डिनर भी बनाना है, सर्दी में तो कुछ काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता, फिर भी डिनर बनाना है, कोई नहीं। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ सांभर और उत्पम। तो 7:30 हो गए हैं, सारी तैयारी मैंने करके रख दी है सांभर की। अनुज कुछ सामान लेने गए हैं तो वो लेके आते हैं, तो मैं सांभर बनाना स्टार्ट करती हूँ। आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं सांभर कैसे बनाती हूँ, बहुत ही सिंपल वे में मैं सांभर बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी बनता है। तो चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ अभी किचन में। यह मैंने अरहर की दाल और कद्दू को अच्छे से धो के रख दिया है, मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल नहीं थी तो मैंने सिर्फ कद्दू ही डाला है यहाँ पर आज। और यहाँ मैंने टमाटर और प्याज को काट के रख दिया है और यहाँ पर इमली को अच्छे से भिगो लिया है, एक घंटा हो गया है इमली को भीगे हुए। सबसे पहले मैं ये टमाटर और प्याज इसमें डाल दूँगी, मैं सारी चीज़ एक ही साथ कुक कर लेती हूँ। अब इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। अभी मैं इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे ये जब कुक हो जाएगी मैं एक कटोरी अपने बेटे के लिए निकाल के रखूँगी, क्योंकि वो अभी मिर्ची नहीं खाता है और जो बाद में अपना तड़का लगाना होगा मिर्च वगैरह का वो मैं बाद में लगाऊँगी। इसमें जो डाल दिया है इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, देख सकते हैं। अब मैं इसको कुकर को बंद करके, मैं कुकर में 4 सीटी लगा लूँगी, 4 सीटी में अच्छे से पक जाएगा। अगर नहीं पका तो आप 1-2 एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं। अब दूसरी जगह मैं अपने उत्पम की तैयारी कर लूँगी। मैं यहाँ पर सूजी ले ली है और सूजी के अंदर मैं यहाँ पर 1 कटोरी
दही मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक बड़ा कटोरी सूजी ली थी, तो इसके अंदर मैं एक छोटी कटोरी दही डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ किया है। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से एक बैटर तैयार हो गया है। आप इसके अंदर कुछ भी डालना चाहें, कोई भी वेजिटेबल वो डाल सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। अंबर में 4 सीटी लग चुकी है और मैंने उत्तम के लिए सूजी को अच्छे से मिक्स करके रख दिया है, सूजी और दही को। और अब मैं उत्तम के लिए वेजिटेबल कट कर लूंगी। तो मेरे पास कुछ ही वेजिटेबल थी, ज्यादा नहीं थी। यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च है, प्याज है और गाजर और टमाटर, ये सारी मैंने सब्जियां ले ली है। इसको मैं इसके अंदर चॉप कर लूंगी, बहुत अच्छे से इसके अंदर चॉप हो जाता है। और अथर्व आ गया है यहाँ पर, देखो ये अथर्व शरारती बच्चा। हेलो करो, चलो अब अंदर जाओ, मम्मा खाना बना ले। आप खाना मत पर बनाने तो दो, पापा को तो खाना है। मम्मी पालने मुझे नो बेटा, यहाँ नहीं बैठते, तो नहीं आतू किचन में, नहीं बैठते, नहीं बैठते, बैठते नो बेटा, वहां पर फायर है ना तो उसमें नहीं बैठते। आप अंदर जाओ, पापा बुला रहे हैं। पापा पोयम देख सुनाएंगे, ठीक है। मैं इसके अंदर सब्जियां कट करके इसके अंदर चॉप कर लूंगी। आप लोग देख सकते हैं सब्जियां कितने अच्छे से चॉप हो गई है। सारी सब्जी मैंने अच्छे से चॉप कर ली है। अब कुकर में से भाप निकल गई है तो मैं कुकर को भी खोल के देख लेती हूँ एक बार। सांभर में बहुत अच्छे से कुक हो गया है। पहले मैं अथर्व के लिए थोड़ा सांभर निकाल देती हूँ क्योंकि अभी मैं इसमें छोका लगाऊंगी और अथर्व मिर्च अभी नहीं खाता है, तो इसलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा ही सांभर निकाल लूंगी। मैं करीब इसके अंदर 1 चम्मच सांभर मसाला डाल दूंगी। और मैंने गैस ऑन कर लिया है क्योंकि मैंने इसके अंदर इमली का पानी डाला था तो थोड़ा कच्चा सा ना लगे, इसलिए थोड़े से ये कुक हो जाएगा। खुशबू सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसे थोड़ी देर ढक के पका लूंगी और अब मैं अपनी उत्पम की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने वैसे तो मैंने सारी तैयारी करके रख ली है। सूजी का जो मैंने बैटर बनाया है उसके अंदर मुझे इनो डालनी है। इनो मैं सबसे लास्ट में डालूंगी, जिस टाइम मुझे बनाना होगा उस टाइम में मैं उसमें इनो डालूंगी। बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दूंगी। आप देख सकते हो कितना ज्यादा थिक है ये। इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दूंगी। इसके अंदर मैं अब इनो डाल दूंगी। इनो डालते ही कितना ज्यादा फ्लफी हो गया है।
चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मेरे से तड़के की वीडियो डिलीट हो गई थी तो मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई। मैंने सांभर के अंदर राई और कड़ी पत्ता का तड़का लगा दिया था। देख सकते हैं सांभर और उत्पम और यहाँ पर थोड़ी सी चटनी है, बनके तैयार हो गया है और अब मैं अनुज को देने जा रही हूँ। ये देखो ये बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं। बताओ खाके कैसा बना है? मुझे नहीं खाना। अनुज को तो अच्छा लगा और अब मैं बाकी के जो उत्पम है वो बना लेती हूँ। मेरा डिनर भी तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हो। और ये थोड़ा सा टूट गया है मेरे से बनाते वक्त, तो अभी मैं अपना डिनर फिनिश करने के बाद आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डिनर कर चुकी हूँ और सच में सांभर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। सांभर भी अच्छा था और उत्पम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो अब मैंने सोचा कि व्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे बर्तन भी धोने हैं। बर्तन मुझे बुला रहे हैं, आओ मैम साहब मुझे साफ़ कर दो। तो सोचा कि व्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करने से आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।